दोस्तों, मेरा नाम ममता पांडे, मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ और टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ। इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट में आने के पहले लगभग 9 वर्ष मैंने टीचिंग की है। डिग्री कॉलेज में पढ़ाती थी मैं, एजुकेशन की लेक्चरर थी, एमएड किया हुआ है मैंने। और जैसा कि सभी का उद्देश्य रहता है कि अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे नंबर ले आएँ, अच्छी डिग्री हासिल करें और उसके साथ साथ कोई बड़ी नौकरी करें, कोई अच्छी नौकरी करें, ऐसे ही सपने मेरे भी थे और इसी दिशा में अपने काम को मैं कर रही थी। मेरी शादी, मैं कह सकती हूँ, बहुत जल्दी हो गई थी। उम्र कुछ भी नहीं थी उस समय, 19 वर्ष की उम्र में शादी हो गई। तो बड़े बड़े अरमान थे पढ़ाई के कि पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना है। शुरू से इच्छा थी कि मैं कुछ करूं, कुछ इन द सेंस, यानी शुरू में बचपन में सपना होता था कि डॉक्टर बनूं, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए देखा वहां बहुत ज़्यादा खर्च है, उसको मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे फादर नहीं बियर कर पाएंगे। देन उस सपने को निकाल दिया मन से। उसके बाद फिर दिमाग में आया कि अब मैं कम से कम टीचर बन सकती हूँ। शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा। सिर्फ 12th क्लास में मेरी शादी हो गई थी। आफ्टर दैट मैंने जो है बीए किया, फिर एमए किया, अपने घर गृहस्थी को संभालते हुए साथ साथ मैं पढ़ाई करती रही। उसी में मेरे बच्चे भी हुए, उनको भी देखभाल की जो ज़रूरत रहती थी वो भी सब कुछ करते हुए जो है अपना मैंने बीए करने के बाद मैं टीचिंग सेक्टर में आ गई। और उसके साथ साथ फिर मैंने ये देखा कि जिनकी डिग्री कम है या जो केवल बीए हैं सिंपल या एमए हैं, उनको बहुत कम सैलरी दी जा रही है, वहीं बीएड एमएड वालों को अच्छी सैलरी मिलती थी स्कूल में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जो है बीएड कर लूँ। इसी के साथ, इसी तारतम्य में मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया, आफ्टर दैट एमएड कंप्लीट किया और अंततोगत्वा मैं जो चाहती थी अपने जीवन में वो मैं बनी। तो आप अगर जो अपने जीवन में चाहते हैं वो आप बन जाते हैं तो वहाँ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेटिस्फेक्शन था लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, इतनी ज़्यादा मेहनत थी कि जितना शायद कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा काम। मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठना, 7 बजे पहला लेक्चर स्टार्ट हो जाता था, वहाँ 7 बजे तक कॉलेज में पहुँच जाना और पहुँचने के पहले आप सोच सकते हैं कि एक महिला को सारे काम करके जाने होते हैं, यानी अपना पूरे घर का टिफिन, नाश्ता, लंच, यानी अब सीधे रात में ही आना है तो रात, ये नहीं है कि सुबह का नाश्ता है, फिर दोपहर का भोजन है, फिर रात का डिनर है, इस तरह से नहीं, सीधे मतलब सुबह में जो भी चीज़ें हैं तो वो पूरी 100% प्रिपेयर करनी होती है। तो इस तरह से करते करते जिंदगी चल रही थी और अच्छा भी लग रहा था, खुशी भी थी कि मैं जो पाना चाहती थी, मैं जो करना चाहती थी वो मैंने किया, लेकिन सेटिस्फेक्शन इनकम को लेके नहीं था क्योंकि मैं प्राइवेट टीचर हूँ और जो सैलरी गवर्नमेंट को मिलती है, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट टीचर्स को मिलती है, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत हम लोग जो भी प्राइवेट टीचर्स करते हैं, कई गुना ज़्यादा मेहनत, मैं कह सकती हूँ 10 टाइम्स अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। उतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो पैसा आता था बहुत कम आता था, तो उसको लेकर के सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं था। मैं इस बात से खुश थी कि मैं टीचर हूँ, एक अच्छे रिकॉग्नाइज लेवल पे हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इनकम को लेकर सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं था। और फिर सोचती थी कुछ करूँ, ट्यूशन पढ़ाऊँ, ट्यूशन सेंटर चलाऊँ, और मैंने ट्यूशन देना भी शुरू किया, कुछ लोगों को ट्यूशन भी दिया, उससे भी अर्निंग लेनी शुरू की। बस इसी तरह से ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन मैं चाहती थी कुछ और भी करूं साथ में। और इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली और ये अपॉर्चुनिटी वो अपॉर्चुनिटी साबित हुई जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया, कम्प्लीट चेंज किया। और ये मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन फैसला था, मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया। इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना, आज मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने नहीं किया होता तो आज भी मैं वही 18-20 हज़ार की नौकरी कर रही होती, इससे ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हो सकता था। जैसा कि नौकरी में, आम नौकरी में होता है,
कि वही दाल रोटी के ही जुगाड़ करते 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 लाइफ कब खत्म हो जाती है पता नहीं चल पाता। और हम सोचते हैं कि कल को कुछ अच्छा हो जाएगा, परसों कुछ अच्छा हो जाएगा, अगले साल कुछ अच्छा हो जाएगा। चमत्कार अपने आप नहीं होता है दोस्तों, जब हम कुछ करते हैं। मान लीजिए आपको अपने बेटी की शादी करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ी थोड़ी तैयारी आज कर रहे हैं। आपने 1000 रुपये की आरडी खोल दी है, 2000 की आरडी खोल दी है, वहां से आपका जो है कुछ ना कुछ तैयारी होता जाएगा। बट अगर आपने जो है उसमें तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, आपने कोई कदम नहीं रखा है, तो एक बैग फिर आपके ऊपर सर पे बोझा आ जाता है। तो यानी कोई भी काम करना है तो उसके स्टेप्स आपको पहले से लगाने शुरू करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से बिजनेस है, इसी तरह से अपॉर्चुनिटी है, इसी तरह से सिस्टम है। और मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। अपने अप्लायंस का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे जीवन में ये बेहतरीन जो है प्रपोजल रखा, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और जितने भी हमारे सपने होते हैं, वो सारे सपनों को पूरा करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ से वो सब कुछ हासिल किया जो व्यक्ति जीवन में चाहता है, चाहे वो कार हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो देश विदेश की यात्रा हो, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल टूर हो, चाहे वो बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हो। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो उस सभी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करती हूँ और मैंने एक एक कदम चल के सब कुछ को पाया है। ऐसा नहीं है कि एकाएक बस कहीं ना कहीं हम आए और बस तुरंत एक साल में कोई बड़ा बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ धीमे धीमे कदमों से आप चलते हैं और वहाँ से चलने के बाद जो है आप आगे बढ़ते हैं, आपको इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ आप जो पाना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप उस इनकम को पा सकते हैं। तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, और क्योंकि देखिए हर व्यक्ति किसी न किसी से इंस्पायर होता है। और इस कंपनी में आने के पहले मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को सुना था, उन ट्रेनर्स को सुन करके मैं इंस्पायर हुई। कोई व्यक्ति बिल्कुल इस तरह से इस कॉन्सेप्ट में आया जिसके पास 100 रुपये भी नहीं थे और आज वो कई करोड़ों का मालिक है। एक दो नहीं, कई लाखों टेस्टिमोनीज है, कई लाखों और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया है। मैं ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही हूँ आपसे। तो एक शानदार सेशन है, शानदार अपॉर्चुनिटी है, शानदार सिस्टम है। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं अगले 40 मिनट तक, तो आपको वो हासिल हो सकता है जो मुझे आज से 9 से 10 वर्ष पहले हासिल हुआ। बाकी तो बहुत सारे लोग केवल मीटिंग में कनेक्ट होते हैं, सुनते भी नहीं हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे बड़े बड़े ट्रेनर्स को सुनने के लिए, ऐसे बड़े बड़े स्पीकर्स को सुनने के लिए, जो भी हमारे इस कंपनी के अच्छे अच्छे स्पीकर हैं उनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ से टिकट कटाते थे और वहाँ होटल जाके लेते थे। होटल लेने के बाद फिर उनका सेमिनार अटेंड करते थे, 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा जैसा भी हो। कई बार तो ऐसा होता था कि बिना खाए वो सेमिनार अटेंड करना पड़ता था, क्योंकि अगर सेमिनार का टाइमिंग 10 बजे है और यहाँ से ट्रेन ने छोड़ा है हमें वहाँ 7 बजे, तो 7 से 10 3 घंटे के सफ़र में दिल्ली जैसे शहर में बड़ी दूरी दूरी पे जो है लोकेशंस होती हैं कि कहाँ हमें पहुँचना है, और ऐसे में खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता था। और सुबह ऑफिस में एंट्री हुई तो शाम के 5 बज गए 6 बज गए, कुछ पता नहीं है। यानी कभी कभी भूखे पेट भी इन ट्रेनिंग्स को अटेंड किया है। तो बड़े दर्द से ये ट्रेनिंग्स मिलती हैं दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी जूम मीटिंग के माध्यम से सबके घर में ये ट्रेनिंग आ रही है, तो हो सकता है हम उसको उतना महत्व ना दें। लेकिन दोस्तों फ्री की चीज कभी कभी बहुत ज्यादा होती है। म्यूट खुला हुआ है, प्लीज मैं होस्ट को कहना चाहूंगी प्लीज म्यूट को जो है सभी को ऑल म्यूट कर देंगे। सर प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हेलो, ओके। तो इस तरह से जो है मैं यही बताना चाह रही थी कि जो ये ट्रेनिंग्स हैं, इन ट्रेनिंग्स का बहुत महत्व है और इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से लोगों की लाइफ में चेंज आ सकता है।
बट वो तब भी संभव होगा जब हम इसमें जो है कनेक्ट हों, जब हम इसमें शुरुआत करें और हम इसे मन से लें। एक है कि हमने आधे घंटे बिता दिए और एक है कि हमने उसके नोट्स बनाए, उसको समझा, अगले से हमने बात करी, उसके बारे में पूछा, हमारे जो भी कंफ्यूजन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में आप सभी का स्वागत है। उस अपॉर्चुनिटी का नाम है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक ग्रेट सिस्टम है जिसने लाखों और करोड़ों लोगों की जिंदगियों को चेंज किया है। मेरी जिंदगी भी यहाँ आने पर चेंज हुई है और आपकी जिंदगी भी संभवतः चेंज होगी अगर आप एक से दो वर्ष डेडिकेशन के साथ पर डे 3 से 4 घंटे देने को तैयार हैं। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप ड्रीमर हैं, आप अपने ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं, तो इस ट्रेनिंग में मेरा जो 10 सालों का एक्सपीरियंस है, जो मेरी स्ट्रगल्स हैं, जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से, अपने काबिल दोस्तों से, अपने सीनियर से, वो सब कुछ मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूँगी कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी पे दोस्तों शक ना करें, पूरी तरह से ट्रस्ट करें, यकीन करें। करोड़ों लोग अपनी जिंदगी को चेंज कर चुके हैं और अगला नंबर है आपका। इसे आप कैसे लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ये हम थोड़ा सा किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के पहले कुछ चीजों को जानना जरूरी होता है और उन कुछ चीजों में 3P मेन आता है। 3P में प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी एंड थर्ड प्लान ऑफ द कंपनी, यानी कंपनसेशन प्लान, यानी इनकम प्लान कैसा है उस कंपनी का। ये 3 चीज़ों को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना इन 3 चीज़ों को जाने कभी भी किसी भी कंपनी में हमें शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी के बारे में हम बात करते हैं। 1978 की कंपनी है ये, जो है हम सभी के इस कंपनी के CEO हैं मिस्टर रैक्समोन। और एक बात आपने कही है कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है खाली जेब। अगर हम किसी भी व्यक्ति को, जो लोग परेशानी से घिरे हुए हैं, उन्हें कुछ मदद करना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ रुपए उधार देने की जगह आप उन्हें ये शानदार मौका दें, ये पावरफुल रेमेडी साबित हो सकता है। ये अपॉर्चुनिटी दें, इस अपॉर्चुनिटी से लाखों करोड़ों लोगों के घर में चूल्हे जल रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी से लाखों और करोड़ों लोगों के घरों में खुशियां जा रही हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप दे करके लोगों की मदद कर सकते हैं। और ये है हमारा ग्लोबल मैनेजमेंट, जिन लोगों ने शुरुआत की थी इस सिस्टम की, इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की, और यहाँ से जो है इस पूरे ग्लोबल मैनेजमेंट की स्टार्टिंग हुई। इस इतने लोगों में से आज तक कोई भी व्यक्ति कंपनी को छोड़ के नहीं गया और ना ही आज तक जो है एक शख्स यहाँ पे इस उसमें डेथ कर चुके हैं, अदरवाइज सारे लोग इसमें बरकरार हैं, बने हुए हैं। दोस्तों ये हमारा शानदार ग्लोबल मैनेजमेंट है। मैं बात करें, ये हमारे फॉरएवर ऑफिसेज हैं। जैसा कि मैंने बताया, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंपनी कितनी खास है, कितनी बड़ी, आप देख सकते हैं हमारे 160 प्लस कंट्रीज में हमारे ऑफिस हैं। और सभी ऑफिस जितने भी हैं ये हमारे खुद के ऑफिस हैं, कोई भी किराए की बिल्डिंग नहीं है। जिस देश का नाम आपकी जुबान पे आए आप उसको टाइप करें, हर देश में हमारे ऑफिस मिलेंगे। 160 प्लस कंट्रीज में हमारे ऑफिसेज हैं। और ये हमारा जो है शानदार जो है अमेरिका का हेड ऑफिस है, जिसके सामने कई एकड़ में ये झील फैली हुई है।
और जबरदस्त ऑफिस है, जबरदस्त प्रॉपर्टी है। ग्लोबल टर्नओवर के बारे में हम बात करें तो 1 मिलियन से 1978 में 1 मिलियन से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रेजेंट टाइम में 3.3 बिलियन का टर्नओवर हम कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बात करें तो पूरी तरह से कैश रिच कंपनी है, डेप्ट फ्री कंपनी है। डेप्ट फ्री कहने का सेंस ये है, यहाँ पे एक चीज और कहूंगी कि कर्ज मुक्त है, इसके साथ साथ किसी का शेयर नहीं लगा हुआ है, पूरी तरह से जो है ये कैश रिच कंपनी है कह सकते हैं। जैसे आप अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों का जो है, जैसे टाटा है, बाटा है, रिलायंस है, यहाँ पे लोगों के शेयर लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी का भी शेयर नहीं लगा हुआ है दोस्तों। रेजॉर्ट्स के बारे में मैं बात करूं, कंपनी के अपने लग्जरी 70 लग्जरी रेजॉर्ट्स हैं, और ये ऐसे रेजॉर्ट्स हैं जो कि बहुत ही बड़े रेजॉर्ट्स हैं। यूएसए, यूरोप और साउथ अफ्रीका में हमारे ये सारे रेजॉर्ट्स हैं, और इनका टर्नओवर फॉरएवर के टर्नओवर से अलग है। केवल इसको इसलिए बताया जा रहा है कि हमारी सिस्टर कंपनी है और कितनी समृद्ध कंपनी है। लोटा वही टिकता है दोस्तों जिसकी पेंदी भारी होती है। ठीक इसी तरह से एक समृद्ध कंपनी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें अपने करियर को बनाने के लिए। हम कौन हैं? हम पूरी दुनिया में एलोवेरा के पत्ते और मधुमक्खी के छत्ते से बनने वाले उत्पाद, उत्पादन और वितरण में संसार की नंबर वन कंपनी है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। हम सबसे ज्यादा मात्रा में और सबसे शुद्ध क्वालिटी का एलोवेरा बनाते हैं और बी हाइव के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें हमारा कोई भी पूरे संसार में कॉम्पिटिटर नहीं है। वी आर वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, यानी अगर मैं बात करूँ पौधे से उत्पाद, उत्पाद से आप तक, संपूर्ण कार्य हम स्वयं करते हैं। हम खेती करते हैं। ये फोन ले लीजिए जरा, बहुत तेज फोन आ रहा है। हम स्वयं खेती करते हैं, उत्पादन करते हैं, इसके अलावा जो है इन प्रोडक्ट्स को आप तक पहुंचाने का संपूर्ण कार्य करते हैं। तो ये सारे कार्य हम स्वयं करते हैं। आप देखेंगे मार्केट में एक्स वाई जेड बहुत सारी, मान लीजिए सपोज दैट कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है तो मैन्युफैक्चरिंग बाय सो एंड सो, यानी उस कंपनी का नाम होगा, मार्केटिंग बाय ये वाली कंपनी एक्स वाई जेड, कोई सी भी, किसी भी दवा के स्ट्रिप पे आप उठा करके पढ़ के देख सकते हैं, उसको बनाने वाला कोई और है, बेचने वाला कोई और है, पैकिंग कोई और करता है, लेवलिंग कोई और करता है, बहुत सारे काम, बहुत सारे मिडल मैन उसमें शामिल होते हैं। बट वी आर वर्टिकली, इस शब्द का ये मायने है, ये खेत जो 10,000 एकड़ से बड़े खेत हैं, दुनिया के सबसे बड़े खेत हैं, वो खेत भी हमारे खुद के हैं। यहाँ पे जो पूरा कल्टीवेशन हो रहा है, पौधे को उगाया जा रहा है, और जब ये पौधा 2 से 4 वर्ष तक मैच्योर होके तैयार हो जाता है, ये संपूर्ण कार्य हम स्वयं करते हैं, और पौधे से उत्पाद, उत्पाद से आप तक, यानी R&D डिपार्टमेंट हमारा अपना है, प्रोडक्शन अपना है, डिस्ट्रीब्यूशन अपना है, सारा कुछ। इतना ही नहीं, वो साइंटिस्ट जो इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, वो सारे सब कंपनी के लोग हैं, यानी तीसरा मिडल मैन यहाँ कोई भी शामिल नहीं है। इसी सब, यानी हम अपने जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड शब्द है, इसके पूरे मायने को कंप्लीट करते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूं अप्रैल, इंडिया में बिजनेस कब शुरू हुआ, तो सन 2000 में इंडिया में बिजनेस शुरू हुआ। अब भी जो हमारा टर्नओवर है ये 600 करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस कर चुका है। 3 साल पहले का टर्नओवर है, 650 करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस कर चुका है, और ये जो है शुरुआत हुई थी अप्रैल में। और अभी अगर मैं बात करूँ ऑफिसेस की बात करूँ तो कुल मिला के 21 ऑफिसेस इंडिया में रन कर रहे हैं। ये हमारा जो है 78th रैंक से इंडिया की शुरुआत हुई थी। अभी वर्ल्ड वाइड जो है नंबर 2 पोजिशन पे इंडिया है, आप देख सकते हैं नंबर 2 पोजीशन है हमारी, और यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि नंबर 2 पोजीशन में आने में कितना बड़ा कंपटीशन हम सभी ने बीट किया। तो ये दोस्तों, ये सब आपकी वजह से हुआ, और आपने इतना इसको प्यार किया, प्रोडक्ट्स को यूज किया, इसको नेम दिया, फेम दिया, सब पूरे इंडिया के लोगों की वजह से हुआ। तो सेकेंड नंबर पे होना बहुत बड़े गर्व की बात है, और बहुत ही जल्द हम आने वाले हैं नंबर 1 पोजीशन पे। आप सोच सकते हैं क्या टर्नओवर होगा, क्या इनकम होगी। ये हमारा जो है हेड ऑफिस है बांद्रा का, जो कि
फॉरएवर का अपना ऑफिस है मुंबई, और आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग हमारी नीचे से ऊपर तक, और वो भी ऐसे पॉश एरिया में है दोस्तों, जहाँ पे सलमान खान और सभी लोगों के बहुत, बांद्रा हिल रोड आपको पता होगा काफी फेमस एरिया और पॉश एरिया है, वहाँ पे किसी का एक ऑफिस होना ही बहुत बड़ी बात है। 500 करोड़ की ये संपत्ति है और ये हमारा अपना निजी ऑफिस है। तो इस तरह से 3300 प्लस मिलेनियर्स को कंपनी बना चुकी है दोस्तों। टाटा, बाटा, विप्रो, बहुत सारी कंपनियों में लोग काम करते हैं, किसी की सैलरी 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है। MBA, HR, बहुत सारे डिग्रीज को हासिल करने के बाद इन सब कंपनियों में नौकरी मिलती है। BTech, MTech, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद, और उसके बाद हम 30,000, 35,000, 40,000 में रह जाते हैं। लेकिन मिलेनियर कितने बनते हैं इन कंपनियों में, हम इस डाटा को भी सर्च करते हैं कि टाटा में कितने मिलेनियर है, बाटा में कितने मिलेनियर है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, विप्रो है, इन्फोसिस है, इसमें कितने मिलेनियर है, इसको भी हम देख सकते हैं। तो ऐसी लिस्ट में आपको मिलेगा दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर मिलेनियर किसी ने प्रोड्यूस किया है वो फॉरएवर ने प्रोड्यूस किया है, यानी 10 लाख प्लस की इनकम लेने वाले 3300 प्लस लोग हैं। और अभी तो ये 3 साल पुराना आंकड़ा है, अभी ये इनकी संख्या जो है 3600 से ज्यादा हो चुकी है, यानी 3600 प्लस लोग हैं जिनकी इनकम 10 लाख प्लस में है। अब किसी की इनकम साल की 60 लाख भी है, 70 लाख भी है, 80 लाख भी है, 1 करोड़ भी है, 2 करोड़ भी है, 5-5 करोड़ भी है, ऐसे ऐसे FBO हैं, ऐसे इंटरनेशनल FBO हैं जिनकी महीने की इनकम 2-2 करोड़ है दोस्तों। और ये मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ, आप उन लोगों के पर्सनली नाम यूट्यूब पे डाल के, फेसबुक पे डाल करके आप उनकी इनकम को देख सकते हैं। फॉरएवर टू ड्राइव, यानी जब आप मैनेजर बन जाते हैं तो आपको मिलता है यहाँ से कारप्लेन। कारप्लेन पे हमारी 3 तरीके का कारप्लेन है, कारप्लेन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में 26,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, लेवल 2 में 39,000, और लेवल 3 में 52,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। और दोस्तों ये पैसे 36 महीने तक मिलते हैं, यानी लेवल 3 की बात करूं तो 18,72,000 रुपये आपको कार प्लान के लिए मिलता है। लेवल 1 में 9.5 लाख रुपये आपको कार प्लान में मिलता है। तो इस तरह से कंपनी आपको देती है। 1,000 प्लस FBO ऐसे हैं जो इस लेवल 2 को क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी इस लेवल 2 में आ चुके हैं। इसके अलावा लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3, 3 लेवल्स हैं उसके जो है कारप्लेन अचीवर्स अलग अलग हैं। फॉरएवर को अप्रैल 2012 में मैंने भी शुरू किया था दोस्तों, और जब मैंने शुरू किया, अप्रैल 2012 में शुरू किया था, उस समय मेरे पास केवल 2 व्हीलर थी, कुछ भी नहीं था, 2 छोटे से कमरों का मकान था और कुछ नहीं, लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े थे। और आपको मैं बताऊं, इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के बाद, काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद, मैंने मेहनत करी है, हस्बैंड वाइफ दोनों ने हमने अथक प्रयास किया, अथक मेहनत की है, अपने टाइम को कभी नहीं देखा कि हमने कितना घंटे काम किया, 8 घंटे काम किया, 9 घंटे काम किया, ये हमें पता नहीं है, इससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा काम किया। कई बार तो ऐसा होता था कि हम लोग अपने घर पे आते थे हस्बैंड वाइफ कहीं कॉल करके, और रात के 10 बज रहे होते थे, मेरे दोनों बच्चे उस समय छोटे थे और ये बच्चे सो जाते थे भूखे, और वहाँ से आने के बाद फिर मैं खाना बनाती थी, तब अपने बच्चों को खिलाती थी गोद में ले करके। तो इस तरह की मैंने मेहनत की, और सिर्फ 1 वर्ष काम करने के बाद आपको मैं बताऊं, जो ये पहली गाड़ी, मेरे जीवन की पहली 4 व्हीलर, हमने फोर्ड फिगो टॉप मॉडल परचेज की, और ये लगभग उस समय जो है 7.5 लाख रुपये की गाड़ी थी, और जीवन की पहली गाड़ी, बहुत खुशी हुई, एक बहुत आनंद का पल था। जब कभी कोई चीज़ आप स्वयं मेहनत करके हासिल करते हैं तो आपको जो खुशी होती है वो आप समझ पा रहे होंगे मैं किस खुशी की बात कर रही थी। तो इस तरह से शुरुआत हुई, और अभी लॉकडाउन टाइम में जहां लाखों और करोड़ों लोगों की नौकरी जा चुकी है, लोगों के व्यवसाय पे इतना असर आ चुका है, वहां पे जो न्यूट्रिशन का व्यवसाय है, ये कभी दोस्तों डाउनफॉल में आने वाला बिजनेस नहीं है, ये हमेशा अपवर्ड्स में जाने वाला है, हमेशा ऊंचाइयों पे जाएगा। और इस लॉकडाउन में भी, जबकि लोगों की सैलरी नहीं आ रही, आधी सैलरी मिल रही है, ऐसे समय में भी जो है बहुत अच्छी इनकम लोगों को, लीडर्स को, जो लोग भी इसमें काम कर रहे हैं 100% पॉजिटिव माइंड से, जिन्होंने अपने आप को चेंज किया है, जो सोशल मीडिया के थ्रू भी काम कर रहे हैं,
और उनकी इनकम जो है इंक्रीज हुई है पहले से, और लगभग 2 महीना पहले इसी लॉकडाउन में हमने अपनी जीवन की दूसरी लग्जरी कार किया सेल्टॉस टॉप मॉडल परचेज किया, ये 20 लाख की गाड़ी ली, ये सब कुछ हो पाया तो मेरी प्यारी टीम की वजह से, और हम इतनी जो है टीम के साथ सारे लोग जो है मेहनत करते हैं उसकी वजह से, उस ऊपर वाले की दुआओं की वजह से, और इसके साथ साथ इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की वजह से। दोस्तों अदरवाइज 17 साल जो है नौकरी की, हस्बैंड ने मेरे 17 साल नौकरी की और उन सपनों को पूरा नहीं कर पाए जिन्हें महज 5 वर्षों के मेहनत में हम लोगों ने इसे पूरा किया। तो दोस्तों ये मौका आपको भी है, और आप जो है ये तो हम लोगों को उतना डिजिटल या कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी पहले से, अभी इन सब चीज़ों को सीखा जा रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है, और बहुत सारे बच्चे हैं आज यंग टाइम में, यंगस्टर्स हैं जिनको इस सब की बहुत अच्छी नॉलेज है, वो अपने काम को कई गुना बढ़ा सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, ये तरीके तो हमें पहले पता भी नहीं थे कि इन तरीकों से बिजनेस होता है। बट दोस्तों यहाँ पे आपको जो है केवल लगना है, अपने धैर्य को, अपने पेशेंस को बनाए रखना है, और आप अपनी बड़ी इनकम को क्रिएट कर सकते हैं। मैनेजर रिट्रीट के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब आप जो है मैनेजर बन जाते हैं, और एक क्राइटेरिया होता है सीसीज का, आप जो है उन सीसीज को क्रिएट करते हैं तो आप बन जाते हैं यहाँ पे मैनेजर रिट्रीट, आपको क्वालिफाई कर लेते हैं। और ये है 2014 का ताज पैलेस मुंबई, वहाँ पे बेहतरीन लग्जरी टूर, लग्जरी ट्रिप लोगों को अचीव हुआ। दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं बड़े बड़े होटल्स के सामने, ताज के सामने जाके मेन गेट पे फोटो खिंचवाते हैं और बताते हैं कि ये ताज होटल की फोटो है और हमने वहाँ पे जाके फोटो खिंचवाई। कितना अच्छा होगा कि अगर आप ताज में अंदर जा करके कुछ खा रहे हों, कुछ पी रहे हों, वहाँ पे एक रात रुकने का अवसर मिले तो कितना अच्छा होगा। लेकिन मैं बात करूँ 70 या 80-90% लोगों की लाइफ ख़त्म हो जाती है बट 5-स्टार होटल में जाके, वो कभी खा नहीं पाते और वो कभी एक नाइट का स्टे भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सोच ही उतनी बड़ी नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि आम आदमी आम सोच रखता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको, ये अपॉर्चुनिटी आपको बड़ी सोच देती है कि आप खा सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप टहल सकते हैं, आप हवाई जहाज में यात्रा कर सकते हैं। ये सारी लग्जरी आपके लिए है, केवल उन अमीर लोगों के लिए नहीं है जो अमीर पैदा हुए हैं, बल्कि ये आपके लिए है जो आप अपने कर्म से अमीर बन सकते हैं। किसी ने कहा है कि गरीब पैदा होना जुल्म नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना सबसे बड़ा जुल्म है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये सच्चाई है कहीं ना कहीं, ये इस पे आपका हक है। आप इन सारे जो है बड़े बड़े होटल्स में जाके खाना खाएं, आप वहाँ पे रात गुजारें, आप वहाँ पे रुकें। 2016 की लोकेशंस कहाँ होगी, गेस कीजिए आप लोग। तब तक ये है 2016 का मैनेजर रिट्रीट, और ये है बेंगलुरु में हुआ था दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट मैनेजर रिट्रीट था, मैंने इसको क्वालिफाई किया था, और ये हम दोनों बैठे हुए हैं हस्बैंड वाइफ, और 380 कमरे 5-स्टार होटल में बुक थे। आप सोच सकते हैं वो भी 4-4 डेज के लिए, और वहाँ की लग्जरी लाइफ जी, एक लग्जरी आनंद जीवन जीने का अंदाज ही अलग, बिल्कुल आप जो खाना चाहते हैं, जो पीना चाहते हैं, जैसे रहना चाहते हैं, जो खेल खेलना चाहते हैं, जो बचपन में आप खेल खेलें, वो सारे खेल तक खिलाए जाते हैं इस मैनेजर रिट्रीट में। यानी पूरी तरह से आप बच्चा बन के बिहेव करते हैं, और वही बच्चों वाली हरकतें, यानी आपके सामने चाहे वो शूटिंग हो, चाहे वो दौड़ हो, चाहे वो घुड़सवारी हो, चाहे वो कैमल राइडिंग हो, वो सब कुछ, वो फन, वो एंजॉय, वो डांस, वो बार, वो सब कुछ मिलता है यहाँ पे जब आप इस अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि स्वर्ग ही धरती पे है, लेकिन उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते हैं ना स्वर्ग प्राप्त करने के लिए मरना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी धरती पे स्वर्ग है, मेहनत करने की जरूरत है, डेडिकेशन की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। मेहनत तो एक रिक्शा वाला भी करता है, उस रिक्शे की वाले की मेहनत करने के पे क्या कभी उसको 5-स्टार का ट्रिप अचीव होता है? नहीं होता है। यानी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, जब एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं
तो एक बड़ी इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रिप्स, ग्लोबल ट्रिप के बारे में बात करते हैं तो दो ग्लोबल ट्रिप कंपनी देती है, एक ईगल मैनेजर रिट्रीट और दूसरा चेयरमैन बोनस। अभी हम ईगल के बारे में बात कर रहे हैं, 2013 में सार्दिनिया इटली, इसके बाद 2014 में लेक ताहो नॉर्थ अमेरिका, 2015 में कैनकुन मैक्सिको जाने का मौका मिला, और दोस्तों ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था 2016 ग्रीस कोस्टा नवारिनो। ये जबरदस्त, आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं, कोस्टा नवारिनो एक रिजॉर्ट है, जबरदस्त रिजॉर्ट है। यहाँ पे आप एक नाइट का किराया भी सर्च कर सकते हैं, नेट पे आपको निकल के आएगा कि रात का किराया वहाँ पे क्या है। ऐसे लग्जरी जगह पे 5 से 6 दिन का टूर अगर कंपनी देती है हस्बैंड वाइफ दोनों को, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा लग्जरी ट्रीटमेंट कंपनी प्रोवाइड करती है। और इसके लिए आपको केवल एक बेहतरीन गोल डिसाइड करना है और उस गोल पे काम करना है। और ये जब आप डिसाइड करके काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने एक साल में इसको अचीव कर लिया, किसी को 2 साल लगे, किसी को 3 साल लगे, और मैं कहती हूँ अगर हम 5 साल में भी अचीव कर लेते हैं तो क्या कोई बुराई होगी। अगर 5 साल के बाद भी हमारी इनकम 1 लाख रुपए प्लस हो तो क्या वो बुराई होगी। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी 90 डेज जो होते हैं किसी भी प्रोफेशन को शुरुआत करने के लिए, अगर 90 डेज में आप अच्छे अचीवमेंट लेते हैं तो ये 90 डेज आपके जीवन के हर मोड़ पे भारी पड़ते हैं। जैसे कोई भी आप शुरुआत करेंगे और अचीवमेंट आपके अच्छे आने शुरू हो जाते हैं तो आपका उत्साह बढ़ता जाता है और आप काम करते हैं। यानी पहले 90 डेज में मैंने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। तो आप भी जो है जब शुरुआत करते हैं तो अपने एक एक दिन में आपने क्या काम किया ये सारे का लेखा जोखा आपको रखना होगा। कितने लोगों को कॉल की, कितने लोगों से बिजनेस पे बात की, कितने लोगों से प्रोडक्ट पे बात की, ये सारा एनालिसिस जब आप अपने ऊपर करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट आपको दिखाई देगा कि आपका रिजल्ट कितना आया। आप वो सारी चीजें सीखें ट्रेनिंग के माध्यम से, कनेक्ट होकर के अपने अपलायन के माध्यम से, वर्चुअली मिल के, अभी मिलना संभव नहीं है लेकिन मिलना संभव भी है अगर आप सारे नियमों का पालन करते हुए, अगर आप आसपास शहर में रहते हैं, सेम शहर में रहते हैं अपने अपलायन के, आप मिल सकते हैं, अपनी क्वेरी को रख सकते हैं, अपनी सवाल जवाब रख सकते हैं, आप जूम पे अपने क्वेरीज को रख सकते हैं। और जब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं तब आप शुरुआत करें, और बेहतर शुरुआत आप कर सकते हैं, मुश्किल से 1 वर्ष भी नहीं लगेगा इन सभी अचीवमेंट्स को प्राप्त करने में दोस्तों, क्योंकि अब भी जमाना सोशल मीडिया का है। जिन अचीवमेंट्स को हम लोगों को 4 साल लग गया वक्त, 5 साल लग गया, उन अचीवमेंट्स को आप 1 साल में पूरा कर सकते हैं। ये मेरा ग्रीस का पहला टूर था जो इंटरनेशनल टूर मुझे मिला था 2012 में, अप्रैल 2012 में मैंने शुरुआत की थी, और नवंबर 2012 मैंने एक मतलब लगभग 8 महीने में अपनी मैनेजरशिप ली थी। मैनेजरशिप लेने के बाद आप फाइनेंशियली फ्री होना शुरू हो जाते हैं, और ये 2016 का मेरा ट्रिप है जो कि ग्रीस जाने का मौका मिला, एथेंस ग्रीक, जो हम ग्रीक शब्द पढ़ते हैं कि ये ग्रीक शब्द जो है, इस कोई भी शब्द जो है इसका निर्माण कहाँ से हुआ, ग्रीक भाषा से हुआ। हम पढ़ते हैं शुरू से, सारी किताबों में पढ़ते हैं ये सारी चीजें। कोई जो है स्क्रीन को खराब कर रहा है, अब्दुल जी प्लीज स्क्रीन को खराब ना कीजिए, बहुत सारे साथी हमारे बीच बने हुए हैं, अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है आप लीव हो सकते हैं, बट स्क्रीन को ना गोजे प्लीज। ये बहमास का टूर था 2020 यानी 2020 का, जो कोरोना पैंडेमिक की वजह से कैंसिल हो गया। बहुत शानदार टूर था ये दोस्तों, लग्जरी टूर था, हो सकता है इन फ्यूचर हम सभी को उसमें जाने का फिर से मौका मिले। और इस तरह से ये आपको ग्लोबल रैली जो मैं बता रही हूँ, जो 2 इंटरनेशनल टूर कंपनी देती है, पहले टूर की बात हमने की ईगल मैनेजर रिट्रीट, और दूसरा होता है ग्लोबल रैली जिसको हम चेयरमैन बोनस के नाम से जानते हैं। 2013 में हवाई USA का टूर था, 2014 में लंदन यूरोप, 2015 में सिंगापुर, और इसके साथ साथ जो मैं बात करूँ तो इस तरह से ये 2016 में आप देख सकते हैं जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका, इसी तरह से 2017 में अगर मैं बात करूं तो कहां गए थे 2017 की डेस्टिनेशन, ये 2021 की डेस्टिनेशन दिखाई जा रही है, सिडनी का टूर है 2021 में, 2017 में गए हम सभी दुबई दोस्तों। ये मेरा सेकंड इंटरनेशनल टूर था,
जो कि इस कंपनी से चेयरमैन बोनस लेने का मौका मिला। आप देख सकते हैं साउद अल बुर्ज जो है ये बहुत बड़ा होटल है, वहां पे हमारी ये पार्टी थी, गाला नाइट डिनर जिसको कहा गया। और ये जब जो है सऊदी अरेबिया का सॉरी दुबई का सबसे बड़ा, सबसे जो है शानदार और सबसे लग्जरी होटल है, सबसे महंगा होटल है। इसको आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। JW मैरियट होटल में कंपनी ने स्टे दिया था। इतना जबरदस्त प्रोग्राम कंपनी आपको देती है। आप सोच सकते हैं कि जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे अगर हम बात करें अच्छे पैसे वाले लोग भी इन सब जगह पे जाने की में जो है सपने देखते हैं। ऐसी जगह पे कंपनी लेके जाती है, घुमाती है, रखती है, वो लग्जरी ट्रीटमेंट देती है जिससे आपकी सोच स्वाभाविक तौर पे बदलती है दोस्तों। और यही कारण है कि आप बड़ा सोचने लगते हैं और आप बड़े बनने लगते हैं। कहा जाता है और ये सच भी है कि अगर 10 गरीब लोगों का साथ करें तो 11वां गरीब कौन बनेगा, यानी जो साथ उसका करेगा। और यदि आप 10 अमीर का साथ करते हैं तो 11वां अमीर कौन बनेगा, वो आप बनेंगे दोस्तों। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि अब आप किसका साथ करना चाहते हैं। ये हम लोगों का चेक $5,351 जो कि रुपीज में कन्वर्ट होकर के 358,522.35 का सिंगल चेक है जो कि दुबई में मिला। और जब ये चेक लेकर के हम लोग अपने घर आए तो ये मेरी माता जी है, मेरी सास है, मेरी बेटी, जब उन्होंने फूलों की माला पहना करके स्वागत किया इस तरीके से। और जो कंपनी में स्वागत हुआ उसकी तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती दोस्तों। ये हमारे अपलाइन है मिस्टर राजा मुन्ना जी, मैं चाहूंगी एक जोरदार तालियां इनके लिए जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिया। मिस्टर विमल शंकर गोयल जी मेरे अपलाइन हैं, और इस तरह से ये डॉक्टर अनुज अपलाइन सीरीज में आप हैं, आप मेरे कोच हैं जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। जब डॉक्टर अनुज सर मुझे 1,00,000 रुपए कमाने की बात करते थे तो मुझे लगता था कि सर हसीन सपने दिखा रहे हैं जो कभी पूरे होने वाले नहीं है, क्योंकि 1,00,000 रुपए तो IAS और PCS की इनकम होती है और हम IAS और PCS नहीं है। मेरे दिमाग पे इसी बात की पट्टी पड़ी रहती थी, या तो हम बिजनेस करें, करोड़ों रुपए लगाएं तो हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो बिजनेस करने का हमारे पास पैसा नहीं था। और क्या ऐसे बिजनेस में जहां हमने कुछ भी नहीं लगाया वहां से 1,00,000 रुपए महीना हम कमा सकते हैं, तो ये दिमाग स्वीकार ही नहीं करता था। लेकिन थैंक्स टू माई कोच डॉक्टर अनुज सर जिन्होंने हमारे उन सारे दिमाग पे जो पर्दे पड़े हुए थे उन्हें एक एक करके हटाया, उस धूल को हटाया। क्योंकि एक कोच यही करता है, हर व्यक्ति के अंदर एक मूर्ति होती है, मूर्तिकार उस वेस्टेज को हटाता है और उस पत्थर में से वो मूर्ति निकल के आ जाती है। लेकिन उस मूर्ति को छेनी और हथौड़ी की चोट स्वीकार करनी पड़ती है दोस्तों। वही छेनी और हथौड़ों की चोट आपको भी स्वीकार करनी पड़ेगी। और जब वेस्टेज निकल जाएगा तो अपने आप ऐसी प्रतिमा आपके अंदर से निकल के आएगी जिसके ऊपर लोग फूल चढ़ाएंगे, जिसके ऊपर लोग कह सकती हूँ कि वो सारी चीजें देंगे जो जिस सम्मान के आप हकदार हैं। तो ये चेयरमैन बोनस, ये मेरे अपलाइन सग्गू सर जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उनका चेयरमैन बोनस आप देख सकते हैं 790,686 रुपए, 793,317 रुपए, इसी तरह 12,97,551 रुपए और 67,36,009.30। तो ये शानदार चेयरमैन बोनस मिला। और ये हमारे अपलाइन का चेक है। इन सभी चेक पे पहले भी यकीन नहीं होता था कि क्या इतने बड़े चेक्स मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब स्वयं भी मिलना शुरू हुआ तो ये यकीन जो है पूरे विश्वास में बदल गया और इस तरह से लोगों की जिंदगियां बदली। ये है मिस्टर जो है आप देख सकते हैं 59,00,000 रुपए का चेक, KK शर्मा जी हैं। मिस्टर आनंद गांधी जी 63,00,000 रुपए का चेक। इन सभी नामों को आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। ये जो नाम मैं बोल रही हूँ सबकी जो महीने की इनकम आती है 20-20, 30-30, 25-25 लाख रुपए, ये सिंगल चेक है, वो चेक है सिंगल जो कि साल के अंत में ग्लोबल रैली में मिलता है, महीने की इनकम अलग से आती है। ये है मिस्टर साइमन डेविडसन जिनका चेक है 55,61,000, और ये है
डायमंड मैनेजर हैं जिनका चेक है 39,22,000 रुपए दोस्तों। तो इस तरह से ये सारे सिंगल बोनस हैं। ये है मिस्टर प्रेम राजन जी, इनका चेक है 74,61,938। ये जो भी नाम मैं बोल रही हूँ इन नाम को आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, सबकी इनकम को देख सकते हैं, फॉरएवर के बारे में देख सकते हैं। सुनील गुप्ता जी 1,03,19,793 रुपए, ये इस तरह का इनकम फॉरएवर देती है। और ये है मिस्टर सूर्या सिन्हा जी, जिनका चेक के बारे में बात करूं तो 2 करोड़+ का चेक है, आप देख सकते हैं 2,64,54,873 रुपए। तो इस तरह से बेहतरीन जो है हमारा मैनेजमेंट है, बेहतरीन टीम है, और ये हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं तो टोटल हेल्थ सेगमेंट है, डी प्रोडक्ट्स हैं, वेट मैनेजमेंट है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, और वो सारी चीजें जो आप पाना चाहते हैं, वो सारे जो प्रोडक्ट्स आप चाहते हैं। वेट मैनेजमेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, 78 kg वेट है मिस्टर मनोज कुशवाहा, मेरी टीम के ही हैं, और इनका वेट ज़्यादा था, इन्होंने वेट लूज करने की सोची, वेट को लूज किया, नाउ 67 kg, और काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ही अच्छा एहसास कर पा रहे हैं। प्रोडक्ट टेस्टिमोनी मैं बता रही हूँ, प्लीज़ एक शख्स हैं जो स्क्रीन को ख़राब कर रहे हैं, इससे आपको क्या मिल पा रहा है दोस्तों? बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं और आप खामखा का ऐसी हरकत कर रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है, शोभनीय नहीं है। ये है मिस आशुतोष पांडे जी, जो जिन्होंने अपने वेट को लूज करने के लिए, जिनकी स्पाइन में यानी कमर में प्रॉब्लम थी, जिसके लिए इन्होंने प्रोडक्ट्स को शुरू किया, इनका वेट भी लूज हुआ, और इसके साथ साथ स्किन के कलर टेक्सचर को भी आप देख सकते हैं, तो स्किन के भी हमारे बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। अब मैं बात करना चाहूंगी, ये सारा कुछ हासिल कहाँ से होगा, ये सारी इनकम आप कैसे ले सकते हैं, कैसे बड़े बड़े चेक्स को ले सकते हैं? तो मार्केटिंग प्लान क्या है, जो हमने पहला 3P पे बात की, पहला फर्स्ट पी यानी प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, एंड 3P जो है कंपनसेशन प्लान यानी इनकम प्लान क्या है। अब हम इनकम प्लान पे बात करने जा रहे हैं, और प्रोडक्ट के सेशन में आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अमेजिंग प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं, पूरी दुनिया में इन प्रोडक्ट्स का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। पहला फर्स्ट लेवल जब आप ज्वाइनिंग करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, आप अपना 18 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, और इस तरह से जब आप असिस्टेंट यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के बाद कोई भी आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं, बस वहीं से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। नेक्स्ट लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है, इस असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के लिए 2 CC का बिजनेस करना होता है, और 1 CC की हर प्रोडक्ट पे पॉइंट्स होते हैं, 1 CC में 1,000 पॉइंट और 2 CC में 2,000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट आप परचेस कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं तो 30% आपको जो है डिस्काउंट मिलता है, और 5% आपको आपके अकाउंट में कैशबैक जाता है, तो यानी 35% का डिस्काउंट यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। और जब आप किसी न्यू पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं तो वहां से 20% की इनकम आपको आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट लेवल सुपरवाइजर लेवल है, जिसमें 25 CC का बिजनेस करना होता है अपनी पूरी टीम से, और जब आप 25 CC का पूरा बिजनेस कर लेते हैं तो आपको जो इनकम आती है 30% का आपको बोनस मिलता है, इसके साथ साथ 8% का आपको अपनी जो है पर्सनल बोनस आपको मिलता है, यानी 30% के डिस्काउंट के साथ साथ 8% का पर्सनल बोनस, जो मिल के टोटल 38% हो जाता है। 3% आपको जो है AS से इनकम आनी शुरू हो जाती है, और न्यू पर्सन से 23% की इनकम आपको आती है। इसी तरह से नेक्स्ट लेवल असिस्टेंट मैनेजर लेवल होता है, जिसमें 30% आपको डिस्काउंट मिलता है, 13% आपको जो है अपना पर्सनल बोनस मिलता है, 5% आपको सुपरवाइजर की टीम से आता है, 8% आपको AS की टीम से आता है, और 28% आपको जो है न्यू प्रिफर्ड कस्टमर से ये बोनस आता है। तो इस तरह से आपको ये इनकम आनी शुरू होती है, और जब आप मैनेजर बनते हैं तो मैनेजर बनने पे 120 CC या 150 CC से आप मैनेजर बन सकते हैं, या तो लगातार के 2 महीने में 120 CC, या लगातार के 4 महीने में आप 150 CC करते हैं तो आप बन जाते हैं मैनेजर। और जब मैनेजर आप बनते हैं तो 30% का डिस्काउंट आपको मिलता है, साथ में 18% का आपको पर्सनल बोनस मिलता है,
यानी दोनों लोगों दोनों चीजों को आप जोड़ेंगे तो 48% की इनकम पे आप होते हैं मैनेजर पे। 5% का टीम बोनस आपको एएम की टीम से आता है, 10% का टीम बोनस आपको सुपरवाइजर की टीम से आता है, 13% का टीम बोनस आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से आता है। टोटल न्यू पर्सन से 33% का आपको बोनस आता है। बेहतर तरीके से मार्केटिंग प्लान को समझने के लिए आप जो है आप अपने अपलाइन को कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे भी अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। ये दुबई का वो नज़ारा है जिसमें मेरे हस्बैंड अब कहे बिना नहीं रह पाए कि जिन सपनों को मैं अपनी नौकरी में नहीं पूरा कर पाया उन्हें महज 5 वर्षों में पूरा कर चुका हूँ। ये सक्सेस स्टोरी कंपनी के मैगजीन में निकला हुआ है। और इस तरह से सीनियर मैनेजर लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो जब हम मैनेजर बनने के बाद जब हमारे फ्रंट पे 2 मैनेजर बन गए तो हम सीनियर मैनेजर, अभी प्रेजेंट टाइम में मैं सीनियर ईगल मैनेजर के पोस्ट पे हूँ। जब आपके सोने के पिन में 2 रूबी जड़ जाते हैं और आपके फ्रंट पे जब 2 मैनेजर हो जाते हैं तो इस तरह से इस पिन से आपको नवाजा जाता है। ये सीनियर मैनेजर की पिन है और इस तरह से सोरिंग मैनेजर या हमारे अपलाइन है और ये सोरिंग मैनेजर है। इनके फ्रंट पे जब किसी के फ्रंट पे 5 मैनेजर बन जाते हैं तब वो सोरिंग मैनेजर बन जाता है और हमारे जो अपलाइन है जिन्होंने हमें ये बिजनेस दिया था वो आज सोरिंग मैनेजर बन चुके हैं। और ये जो है कंपनी के सीईओ ऑफ द कंपनी मिस्टर रेक्समोन जी के साथ उनकी ये पिक है। ये हमारे डॉक्टर अनुज सर जो हमारा ऑफिस ओपन हुआ था उस समय का ये जो है चित्र है और बहुत सारा प्यार सारी लाइन सारे FBO ने उन्हें दिया था। तो इस तरह से ये हमारे सीनियर जो है डॉक्टर अनुज सर के साथ सद्गु सर हैं जो कि एक लीडरशिप बोनस मिला हुआ था। और इस तरह से ये सारी इनकम लेने का सौभाग्य लेने का अवसर आपको मिलता है। आप इस बेहतरीन टीम का हिस्सा हो सकते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है, जबरदस्त नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगी और ये नॉलेज आगे आपको आगे बढ़ने में पूरी तरह से हेल्प करेगी। आप हमारी जूम मीटिंग को में कनेक्ट हों, अपने साथ लोगों को कनेक्ट करें और अपनी क्वेरीज को जो है मीटिंग के बाद आप कॉल करके बात करके जूम पे फिर से कनेक्ट होकर के अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं और इस तरह से आप भी आगे बढ़ सकते हैं।